क्रोसलूप के लेटेस्ट ईयरबड्स क्रोसलूप जेन एक्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड इस वीडियो में हम उनकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के ये ईयरबड्स हैं। प्राइस हमने जो पे किया वो 2300 रुपीज़ हमने पे किया अमेजोन पे, सेल के दौरान ये अवेलेबल थे तो हमने परचेज कर लिया ये ईयरबड्स गाइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक ईयरबड जो आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑफर कर रहे हैं बिलो 2500 2500 के नीचे, तो गाइस डेफिनेटली ये वीडियो आप अंटिल एंड जरूर देखें। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेएस टेक। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं क्रोसलूप जेन एक्स को। तो गाइस चलिए क्रोसलूप जेन एक्स को यहाँ पे हम अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट हमें मिलते हैं। तो हमने अमेजोन से परचेज किए, 2200 रुपये पे किए, तो क्रोसलूप का यहाँ नेम मिल रहा है, जेन एक्स ऊपर की तरफ मिल रहा है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ ही आते हैं, दो कलर में अवेलेबल थे अमेजोन पे। ओके तो गाइस अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी है, 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देने में कैपेबल है, टाइप सी चार्जिंग है, इवन आपको लो लेटेंसी के लिए गेमिंग मोड यहाँ पर मिल जाता है। तो बिना फर्दर डू हम यहाँ पे इनको कट कर लेते हैं एंड अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइज ऊपर वाली जो सेक्शन है लीड है वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, कोई भी टेप वगैरह नहीं है बट स्टिल थोड़ा हार्ड हो रहा है इनको पुल आउट करना। ओके तो फर्स्ट इम्प्रेशन लाइक ईयरबड्स अपनी जगह से ही हिले हुए हैं। ओके तो वो तो हम चीज़ फिक्स कर लेंगे। दिखने में काफ़ी स्मॉल है एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं है गाइस। इवन लाइक जो केस है वो स्मॉल होने के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी अप टू मार्क नहीं है। ओके आप देख सकते हैं पीछे का जो सेक्शन है। ओके आपको पीछे की तरफ एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एक LED लाइट यहाँ पे मिल जाता है, नीचे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ओके तो क्रॉस लूप्स लूप के ये ईयरबड्स हैं। ओके हम इनके ईयरबड्स निकाल लेते हैं एंड होपफुली ईयरबड्स आपके ठीक होने चाहिए। ओके केस की बिल तो हमें इतनी पसंद नहीं आई, होप आपके ईयरबड्स ठीक हों। तो इसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको एक सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है जिसमें एक केबल है चार्जिंग के लिए एंड आपको इनके एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइप सी केबल एंड ये चीज़ अवेलेबल है। अदर देन दैट आपको वारंटी कार्ड मिलता है एंड अच्छी बात ये है गाइज इनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। ये बुकलेट है। ओके तो बुकलेट में आपको डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, तो हम इनको एक बार पेयर कर लेते हैं हमारे स्मार्टफोन के साथ एंड देन डिटेल देख लेते हैं। तो गाइस इनको पेयर करने के लिए सिंपली आपको जो लिड है वो ओपन करनी है एंड आपके स्मार्टफोन या कोई भी डिवाइस में जो है ब्लूटूथ स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार इनको स्कैन कर लेता हूँ। तो आई होप यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए इनका, अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं अगर केस से निकाल के अगर ट्राई करूँ आई होप उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे गेटिंग डिवाइस नेम आ रहा है एंड आपके ईयरबड्स पेयरिंग के लिए रेडी हैं। तो मैं एक बार इनको पेयर कर लेता हूँ जल्दी से। क्रोसलूप जेन एक्स यहाँ पे आपके पेयरिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी एंड वो फाइनली आपके पेयर हो गए हैं। तो गाइस ईयरबड्स सब पेयर हो गए। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन हम यहाँ पे देखें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी पुअर लगी। ओके 2500 रुपये तो नहीं लाइक 2300 रुपये हमने पे किए। ईयरबड्स अपने आप में एक यूनिक एंड इन ईयर फिटिंग के साथ यहाँ पे आते हैं, तो ईयरबड्स दिखने में ठीक ठाक हैं। अगर हम बॉक्स के पीछे देखें लाइक जो बैक साइड है ईयरबड्स के केस की, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक LED लाइट एंड चार्जिंग पोर्ट वहाँ पे मिलता है। ईयरबड की डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस ये दिखने में सही है एंड ईयर फिटिंग की हम अभी देख लेते हैं।
तो गाइज ईयर फिटिंग की अगर बात करें तो इन ईयर डिज़ाइन है काफ़ी नाइसली एंड ईजली फिट हो जाते हैं आपके ईयर में। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं इन केस अगर आप डिफॉल्ट ईयर टिप्स से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इनको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं इनको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10 बिकॉज गाइज काफ़ी लाइट वेट के फील हो रहे हैं इन फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसा फील नहीं हो रहे कि लंबे टाइम तक टिक जाएंगे, अगर ऐसा आप हल्का सा क्रैश कर देंगे देन ये टूट सकते हैं ऐसा लगता है। बट लेटर ऑन इनके जो फुल रिव्यू है उसमें बताऊंगा कि कितनी बेटर बिल्ड क्वालिटी है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके सामने यहाँ पे है। ओके, ईयरबड की सेप साइज काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी पहनने में। ओके, अच्छी बात ये है गाइज ये ईयरबड्स आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑफर करते हैं। कैसे आप उनको इनेबल कर सकते हैं, आप आइदर लेफ्ट और राइट ईयरबड को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे देन आपके जो ईयरबड है वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो जाएगी। एक आपको बीप काइंड ऑफ टंग करके आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा कि नॉइज कैंसिलेशन ऑफ और ऑन, इस टाइप का कोई भी यहाँ पे फीचर नहीं है, बट स्टिल आपको एक अलर्ट के लिए नोटिफिकेशन के लिए वो चीज़ अवेलेबल है। ओके, मुझे ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी इनमें अच्छी नहीं लगी। अगेन ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ एक और ईयरबड्स आते हैं 2021 में जबकि 5.2 लेटेस्ट अभी चल रहा है। ओके, तो उसको अपार्ट रखते हैं, बात करते हैं अदर फीचर्स की गाइस। तो इनमें आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। सिंगल टाइम में आप 4 to 5 आवर का बैटरी बैकअप में केपेबल लाइक देने के लिए ये केपेबल हैं। अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं देन आपका बैटरी बैकअप 3 से 3.5 घंटे तक आ जाएगा। ओके, तो वो डिपेंड कर रहा है आप कैसे इनको यूज़ करते हैं। इनमें गेमिंग के लिए गेम मोड भी आपका दिया हुआ है एंड गेम मोड आप कैसे खेलेंगे या गेम कैसे आप उसमें प्ले कर पाएंगे तो गाइज अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी यहाँ पे डिटेल इनकी बुकलेट में नहीं दी गई है। तो विच मीन आपके जो ईयरबड हैं वो बाय डिफॉल्ट गेमिंग के लिए अवेलेबल हैं, आप उनसे गेम वगैरह खेल पाएंगे। ओके, तो वो चीज़ हम अभी के लिए थोड़ा अपार्ट रखते हैं, साइड में रखते हैं। अगर अदर फीचर्स की आप बात कर लेते हैं, 12 mm के आपको ड्राइवर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे इनकी थोड़ी सी सुपीरियर लगी। जो अभी तक ईयरबड्स हम बिलो 2000 रुपीज़ टेस्ट कर रहे थे तो वो थोड़ी अच्छी बात है। मैंने साउंड वगैरह थोड़ा बहुत टेस्ट किया है क्रॉस लूप के ईयरबड से, तो वो चीज़ भी हम लेटर ऑन देख लेंगे कि कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी है। इवन हम इनका माइक्रोफोन एंड कॉलिंग भी टेस्ट करेंगे कि माइक्रोफोन की क्वालिटी कितनी बेटर है, दूसरे एंड पे जो पर्सन होंगे उनको आपकी आवाज़ ढंग से आएगी या नहीं आएगी। ओके गाइज, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी जो है म्यूज़िक क्वालिटी बेस एंड पास टेस्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पे म्यूज़िक क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो गाइज नो डाउट साउंड लेवल अमेजिंग है, साउंड लेवल वाइज कोई भी यहाँ पे शिकायत नहीं है। इवन मैं बेस की अगर बात करूँ तो बेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड और बेटर बेस एंड म्यूजिक क्वालिटी के लिए आप इनका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं जिससे जो एनवायरमेंटल नॉइस है लाइक जो सराउंडिंग की नॉइस है वो कुछ हद तक कम हो जाए। नहीं बोलूँगा कि 100% एंड परफेक्टली वर्क करता है बट ना होने से कुछ होना बेटर है एंड 2200-2300 रुपये में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन से, बट स्टिल वर्क करता है। ओके, ये एग्जांपल के लिए ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे आपका एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन स्लाइटली 1 पॉइंट आप बोल लीजिए उनसे बेटर वर्क करता है। ओके, तो मैं इनकी वॉल्यूम वाइज लाइक म्यूज़िक की वॉल्यूम वाइज इनको 9 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। बेस और बास आप बोल लीजिए उस वाइज मैं इनको यहाँ पे 8.5 मार्क्स दे रहा हूँ। स्टिल मुझे जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था बट स्टिल नो डाउट काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, म्यूज़िक की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है तो वो चीज़ होनी चाहिए। आप जो है
काफ़ी हद तक म्यूजिक को इंजॉय कर पाएंगे. नॉट लाइक एनी प्रीमियम ईयरबड्स बट स्टिल वर्क काफ़ी अच्छी तरह से डन करते हैं. तो अगर आप म्यूजिक फैन हैं, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो डेफिनेटली गाइज ये ईयरबड्स आपके लिए हो सकते हैं. स्टिल अभी हमें और पॉइंट्स भी कवर करने, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं. चलिए हम इनका माइक्रोफोन टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है. तो गाइज हमने क्रोस लूप जेन एक्स का माइक टेस्ट कर लिया है. माइक टेस्ट के रिजल्ट कुछ इस टाइप से हैं. मैं जब स्टार्ट किया वो बोलना, तो उस टाइम मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया हुआ था, बट लेटर ऑन मैंने फ़ैन ऑन कर लिया. बट कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था. नॉट दैट मीन कि पॉजिटिव वे में है, बट एक्चुअली जब फ़ैन ऑन नहीं था तब भी कोई बैकग्राउंड नॉइस ये अट्रैक्ट कर रहा था. बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी आ रही थी. ओके इतना अच्छा नहीं है इसका माइक्रोफोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके माइक्रोफोन आपका जो इवन डीजो के जो बर्ड्स जी हैं, मुझे उनका इनसे बेटर लगा. प्राइस दोनों का काफ़ी डिफरेंस है. लाइक वो 1300 रुपये एंड ये 2300 रुपये में मिल रहा है, तो 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है. एंड अगर आपको 1000 रुपीज़ कम में इनसे बेटर माइक मिल रहा है, तो आप इनको क्यों परचेज करेंगे जस्ट फॉर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन? नो. तो गाइज आप जो है दूसरे ईयरबड्स के लिए जा सकते हैं. माइक्रोफोन इनका इतना बेटर नहीं है, नीदर इनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बिल्ड क्वालिटी भी अप टू मार्क नहीं लगी मुझे. ओके अगर यहाँ पे बैटरी लाइफ की बोलूँ, तो बैटरी लाइफ भी एवरेज है गाइस. एंड नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी इतना वर्क नहीं करता, इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं करता. ओके तो आप एक 1300 रुपये के ईयरबड्स ले सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं इनमें इन्वेस्ट करने से पहले. ओके माइक नो डाउट म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे ढंग से म्यूजिक इंजॉय कर पाएंगे. ओके बट सिर्फ एक फैक्टर म्यूजिक अगर है आपके लिए इम्पोर्टेंट, देन ही आप इनको परचेज कीजिए. अगर आप एक ओवर ऑल एंड ऐसा ईयरबड्स चाहते हैं, टीयरलेस चाहते हैं, जो सभी एक्सपेक्ट में आपके बजट को फिट करें एंड काफ़ी अच्छा हो, तो गाइज आपको इस प्राइस रेंज में रियलमी के एयर टू भी मिल जाते हैं. ओके तो नई ब्रांड क्रॉस लूप कौन परचेज करेगा, बट मैंने इनको रिव्यू पर्पज के लिए परचेज किया. ओके तो मैं तो इनको जस्ट सिंपली नो बोलूँगा यूजर्स के लिए जो इनको परचेज करने की सोच रहे हैं. तो गाइज ये रिव्यू ध्यान में रखना, ये वीडियो ध्यान में रखना, एंड प्लीज़ गो फॉर सम अनदर ब्रांड. आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं, अभी सेल चल रहा है तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इनसे बेटर है. ओके तो आप वो परचेज कर सकते हैं. टच कंट्रोल भी इनका अप टू मार्क नहीं लगा मुझे, लाइक 10 में से 8 टाइम वर्क करता, 2 टाइम वर्क नहीं करता, तो नॉट दैट बैड बट स्टिल ओके. यहाँ पे आपको कोई भी लेटेंसी के लिए इन्होंने नहीं कमेंट किया कि कितनी MS की लेटेंसी मिल रही है, बट स्टिल आपको बोल रहे हैं कि गेमिंग के लिए बेटर है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी, आप इनको परचेज करेंगे या नहीं. अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस.